दोस्तों अगर आप यूट्यूबर हैं या फिर ब्लॉगर हैं आप कोई भी अलग से वेबसाइट से कुछ भी काम करते हैं और आप एडसेंस से लिंक किए हैं तो दोस्तों मैं अपना बता दूं अगर आप एडसेंस से कुछ भी अर्निंग करते हैं तो आपको नया एक रूल आया है जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है उसे आपको भरना होगा तो. तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आप आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथ में घंटे का निशान दबा दीजिएगा चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं टैक्स इनफॉर्म पर टाइप कर देना जैसे इस पर टाइप कर देंगे तो यहाँ पर इस तरह इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप भरने आना है जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ तो वीडियो पर बने रहिएगा और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है इस तरह उसका देखिए आपको यहाँ पे लिखा है कि टू गेट पे पे आउट फ्रॉम गूगल मेक श्योर द प्रोवाइड द टैक्स इन्फॉर्मेशन ठीक तो है ना तो ऐसा करते हैं तो इसको हम आगे यहाँ पे ऐड करते हैं यहाँ पे ऐड टैक्स इन्फॉर्मेश यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस पर जैसे ओके करेंगे तो एक नया फॉर्म खुल के ओपन होता है उसका देखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे यह लॉग इन करना होता है तो मैं लॉग इन कर लेता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद यहाँ पे मोबाइल में आपका नोटिफिकेशन जाएगा उसको वहाँ पर ओके कर लेना है और जैसे पूरा हो जाएगा तो आप पर आपको फिलअप करना होगा तो देखिए वीडियो पे बने रहिएगा देखिए यहाँ पे फर्स्ट में आता है यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन फो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पे यह दिखाया है जरा शॉर्टकट से आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि आपको कैसे भरना है अगर आप इंडिविजुअल है फिर तो इसमें आप मतलब कोई आपका कंपनी नहीं है तो आप इंडिविजुअल जो है इस पर टैप कर देंगे और यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे जैसे नेक्स्ट करेंगे उसके बाद देखिए आप दूसरे नंबर है कि यू आर सिटी uh, देखिए अगर आपको इंग्लिश अच्छा से नहीं आता है तो हमें भी मतलब उतना देखिए काम चलाओ कर लिया तो ठीक है अन्यथा हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे ट्रांसलेट जो है इस पर टैप कर दें ताकि आपको भी कन्फर्म हो कि ये आखिर क्या है ठीक ना तो यहाँ पे इंग्लिश को इजाजर करते हैं और यहाँ पे फटाफट फड़ा हम करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी क्या कि आप अगर संजुग अमेरिका के रागव निवासी हैं तो यहाँ पे नो हम नहीं है तो यहाँ पे हमारे हो नो उसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पे लिख देंगे जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आया है कि अगर आप इंडिविजुअल हैं यहाँ पे देख सकते हैं तो अब दो चीज़ है तो दोनों में सब इसको फट इसको ऐसा करते हैं कॉपी करते हैं और आपको वहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे आपको बताते हैं ताकि आपको भी बहुत अच्छा से समझ में आए ठीक ना उसका देखिए यहाँ पे पेस्ट मारते हैं और तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है दिस इज मोस्ट कम्युनिकेटिव नॉन यू एस ठीक ना तो यहाँ पे देख जान सकते हैं ऐसे भी आप नॉन यू एस मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसमें आप आ, इसी को आपको चूज करना होगा उसके बाद आपके स्टार्ट जो W8 दिखाया दिखा है इसमें बिन फॉर्म इस पर ओके कर देंगे उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हल्का सा यहाँ टाइम लेगा आपका राउंडिंग हो रहा है अभी और जैसे ही पूरा हो जाएगा आगे बढ़ते हैं फिर तो देख, यहां देख सकते हैं यहाँ पे मेरा नाम जो है विकास यहाँ पे आ गया उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे कि ने, इंडिविजुअल नेम एज सो जो टैक्स डॉक्यूमेंट देखिए आप अगर आप पैन कार्ड देंगे या फिर तो आपका जो नाम है वो यहाँ पर डाल देंगे ठीक है इसमें यहाँ पर मेरा नाम जो भी है सॉरी विकास कुमार यादव है तो यहाँ पर डाल देते हैं विकास कुमार यादव क्योंकि आपको यहाँ पर पे पैन कार्ड देना होगा उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसको हम छोड़ देंगे और यहाँ पे कंट्री और सिटीजन तो मैं यहाँ पे इंडिया डाल लूँगा मैं इंडिया से हूँ अगर आप कोई अलग से हैं मतलब सॉरी स्टेट स्टेट सॉरी कंट्री तो आप यहाँ पे डाल देंगे जैसे मैं इंडिया डाल देता हूँ उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे जो लिखा है कि तो यहाँ पे है जो फॉरिजन तीन नंबर है एक यूएसए तो देखिए यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर दे देंगे यहाँ पे और आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर दे देना उसके बाद देखिए नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे ठीक है जैसे नेक्स्ट पे आगे क्लिक करेंगे तो आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस पूरा डाल देंगे इसमें ठीक ना तो मेरा जो एड्रेस है वो पूरा हम डाल देंगे इसमें और आगे बढ़ते हैं उसके बाद यहाँ आप पर आपको अपना स्टेट सब कुछ डाल देना ठीक है।, है उसके बाद देखिए देख सकते हैं तो जो सेम है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेलिंग एड्रेस है तो यहाँ पे पूरा जो मेलिंग एड्रेस अगर यही देना है तो ठीक है जैसे यही डाल दें उसके बाद देखिए नेक्स्ट कर देंगे और नेक्स्ट यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो लिखा है यू टैक्स ट्रेटी तो ये जो है इसको हम पूरा कॉपी करते हैं और ये क्या लिखता है पूरा बताते हैं आपको कि ऐस कर कानून उन भुगतानों पर तीस परसेंट रोक लगा सकता है जिन्हें संजू जिन्हें अमेरिकी स्रोत से आय माना जाता है या किसी भी भुगतानकर्ता के लिए कम समाप्त हो सकता है ऐसे प्रोसेसिंग के दायरे में आता है तो दोस्तों यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे दिखाई है रेसिडेंट दी कंट्री क्लेम ट्रेटी विथ दू एस दोस्तों यहाँ पे आपको ऐसा यस कर देना है यहाँ पे जो टैक्स ट्रेटरी जो लिखा है यस कर देंगे और यहाँ पे आपको यहाँ जो, जो, जो इसको टिक कर देंगे और यहाँ पे जो कंट्री है इसे हम इंडिया यहाँ पर लिख देंगे ठीक है ना यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे उसके बाद आपको देखिए सर्विस जो है क्योंकि एड्रेस एडसेंस तो आप लोग यूज करते हैं तो यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक करने के बाद आपको आर्टिकल एंड पैराग्राफ जो लिखा है इसमें आपको आर्टिकल सेवन पर यहाँ पे चूज कर देना है उसके बाद देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे जो रेटिंग है यहाँ पे ऐसा करते हैं जीरो परसेंट कर देंगे उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है रीजन है यहाँ पे आर्टिकल तो यहाँ पे इसको ओके कर देंगे उसके बाद देखिए मोशन पिक्चर एंड टी तो इस पर भी ओके कर देंगे ठीक ना उसके बाद यहाँ पे देखिए आर्टिकल में पड़ा जिसमें तो बारह जो आर्टिकल ट्वेंटी है इसको टैप कर देंगे उसको देखिए इसका पंद्रह परसेंट कर देंगे यहाँ पे उसके बाद इसको भी नीचे यहाँ पे टैक ओके कर देंगे उसका देखिए और ठीक ना तो उस पर भी टैप करते हैं उसका देखिए यहाँ पर नीचे करेंगे और इसमें भी बारह परसेंट जो लिखा है बारह जो आर्टिकल बारह है इस पर टैप कर देंगे उसके बाद यहाँ पे जो पंद्रह रेड्यूस रेट है उस पर टैप कर देंगे और यहाँ पे फिर से कर देंगे और फिर से हम नेक्स्ट कर देंगे जैसे नेक्स्ट कर देंगे तो देखिए अभी क्या आता है और जैसे ही आगे हल्का सा राउंडिंग हो रहा है ये ठीक है ना उसका देखिए यहाँ पे इस तरह पर फॉर्म पूरा फिलअप होकर आ जाता है उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना और फिर नेक्स्ट कर देंगे और इसके बाद पे हल्का सा और करेंगे तो फुल लीगल नेम तो आपका जो नेम है पूरा फुल लिख देना है इसे विकास कुमार है विकास ठीक है उसका लिखना है उसका देखिए यहाँ पे कोई ऐसा करना है एस एम पर्सनल लिस्ट सिग्नेचर एक्शन लिखा है इसको एस कर देंगे और यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे ठीक है ना तो उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए अपना नाम दे देना उसके बाद देखिए ये जो लिखा है यहाँ पे देख सकते हैं तो इनमें से जो आपको देना है जैसे कि जो यहाँ पर आई एम जो फर्स्ट में जो है देख सकते हैं आई एस पे टिक करना है और जैसे इस पर टिक कर देंगे और आपका नेक्स्ट पे ओके कर देना उसके बाद देखिए यहाँ पर जो लिखा है कि जो एक्टिविटी है इसमें आपको नो कर देना है ठीक है ना इसमें आप जो भी है जो इंडिविजुलट्री है तो इसमें आप नो कर देंगे उसके बाद यहाँ पे जो लिखा है इस पर फिर नीचे से जो टिक है उस ओके कर देंगे और यहाँ पे देखिए जो लास्ट वाला जो बटन है यहाँ देख सकते हैं जो ऑप्शन दिया गया है कि फर्स्ट में जो है ये न्यू यूट्यूबर जो मतलब कि एक भी बार पेमेंट नहीं लिया है उसके लिए जो फर्स्ट वाला जो है ऑप्शन है और जो दूसरा है वो जो पहले जो ले चुके हैं दो बार पेमेंट उसके लिए ओके करना तो इनमें से जो भी आपका अगर पहली बार पेमेंट लेना चाहते हैं अब लेने वाले हैं तो फर्स्ट में टिक लगाया नहीं था दूसरे में टिक लगाया तो चलिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं आपको बताते हैं क्या ये है क्या नहीं तो ऐसे तो आपको यहाँ पर इतना करने के बाद कंट्रोल सी करते हैं और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कंट्रोल जिस तरह मैं इसमें बताया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा यहाँ पर लिखा है कि मैं एक नई मौजूदा भुगतान प्रोफाइल के लिए जानकारी प्रदान कर रहा हूँ जिससे भुगतान नहीं मिला है ठीक ना देखो कंट्रोल सी कर देंगे और यहाँ पे इस तरह पेस्ट कर देंगे और आपका भी इस मान लीजिए अगर आप पूरा इंग्लिश नहीं जानते हैं तो इस तरह पूरा कॉपी कर लेंगे और इस पर पेस्ट कर देंगे एक न्यू ट्रांसलेट गूगल क्रोम में और यहाँ पे पढ़ सकते हैं तो यहाँ पे देखिए जो मैंने लिखा है कि मैं मौजूदा भुगतान प्रोफाइल के लिए जानकारी प्रदान कर रहा हूँ जो पहले भुगतान प्राप्त कर चुके हैं देखिए दोस्तों तो ये जो है ये जो पहले भुगतान कर चुका है उसके लिए नीचे वाला है तो इस तरह जो भी कुछ है आप सारे कॉपी कर लीजिएगा अगर आप पूरा इंग्लिश जानते हैं तो कोई बात नहीं अगर नहीं जानते हैं तो कॉपी कर लीजिएगा यहाँ पर ट्रांसलेट एक तरफ इंग्लिश एक तरफ हिंदी कर लीजिएगा और पेस्ट मार के पूरा जान लीजिएगा हिंदी से उसका देखिए यहाँ पे ओके कर देंगे यहाँ पर टैप कर देंगे और यहाँ कुछ नहीं करना बस सबमिट कर ओके कर देंगे तो देखिए हल्का सा टाइम लेगा और ये पूरा फॉर्म फिलअप हो जाता है अगर आपको पूरा समझ में नहीं आता है, तो ऐसा करें एक तरफ मेरा वीडियो को क्लिक करें और दूसरी तरफ आप फॉर्म फिलअप करते जाएं स्टेप बाय स्टेप जिससे आप कुछ गलती ना करें क्योंकि मैं एक इस फॉर्म को भरने के दौरान पहले और भी वीडियो मैंने देखे हैं वो कैसे पूरा भरें पूरा कुछ देखने के बाद मैं इस फॉर्म को फिलअप कर रहा हूँ उसका देखिए यहाँ पर मेरा सब कुछ टोटल जितना कुछ था ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पर और आपका जो फॉर्म है पूरा सबमिट होकर अप्रूव हो चुका है ठीक ना तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा था डिसलाइक कीजिएगा चाहे पहली बार आप आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथ में घंटे का स्थान दबा दीजिएगा फिर मिलते अगले वीडियो में जय हिंद वंदे मातरम